brief but comprehensive introduction to what the action plan is all about and this moves us to our next session which is service projects through the action plan and the moderator for this session is a person who needs no introduction Sayyid kashif rafi he has been with us through this conference and also he has more than two decades of experience and has built a diverse career, holding various leadership positions in multiple industries. At Ilma University, he serves as Registrar and Director of International Linkages and Opportunities. He also holds significant roles in other organizations, including Chief of Strategy and Marketing, Chief Strategy Officer, and Managing Partner at Tarbiyat he is an advisor to the harvard business review advisory council and has been selected as a judge for the prestigious international business awards hosted by the steve awards. he has been invited to participate in many renowned and international conferences. so please give a warm round of applause to our host and moderator for this session, sayed kashif rafi.

ये चार ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम पहले भी करते आए हैं बट इनको रिफाइन करके एक अप्रोच में बनाया गया द पैनल डिस्कशन इज वॉट वी विल डिस्कसिंग मैं अपने पैनलिस्ट के ऊपर बुलाऊंगा तो इस सेशन में हम डिस्कस ये करेंगे वो अपने क्लब का एक प्रोजेक्ट हमें बताएंगे इन लाइट ऑफ दिस पॉइंट्स तो स्टार्टिंग विद दिस आई वी रिक्वेस्ट इमिजिएट पास गवर्नर सैयद तहजीब हसन काजमी टू काइंडली ज्वाइन अस ऑन द स्टेज फॉर दिस सेशन तहजीब काजमी i would request uh, rotary club of president ajaz Sahasa, to please join me on the stage i would request uh, dr najma patel from rck east to please join me on the stage I request Shehnaz Ramzi from Rotary Club of Karachi News to join me on the stage. And last but not the least, uh, Dr. Sarfraz from Rotary Club of Hyderabad Galaxy. विद द पैनल कंप्लीटेड आई वाइक टू राधर आई थॉट के एंगेज रहे ऑडियंस के साथ तो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड एक और एसेंशियल एलिमेंट है जो हमारे पैनलिस्ट हैं जिनसे इनसे भी मैं डिस्कस करूंगा और मैं भी कहूंगा कि इट इज नाउ वेरी एविडेंट कि हर क्लब के अंदर एक चेयर एक्शन प्लान का होना चाहिए इन ऑर्डर टू गाइड द क्लब प्रेजिडेंट सेक्रेटरी एंड द बोर्ड इवन द मेम्बर्स ऑल्सो क्योंकि देखिये हम जिन चार चीजों की बात कर रहे हैं वो चार चीजें क्या हैं इम्पैक्ट रीच

कि वो हर मेंबर को देख सके ठीक है फिर बात आई रीच की नाउ दैट हैज एबल टू गिव अस अ लॉन्गर रीच नॉट ओनली फॉर रोटेरियंस एज वेल एज फ्रॉम पीपल फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स एंड रोटरी ग्लोबली एंगेजमेंट में क्या हो रहा है अब उससे क्लब्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो वहां अपने प्रोजेक्ट शोकेस कर सकते हैं लाइक वी डू इट ऑन रोटरी सेंट्रल थ्रू रोटरी शोकेस तो ये एक हमारी इंगेजमेंट होगी अडेप्टेबिलिटी वी एडेप टू डिजिटल चेंज रोटरी ने खुद इट सेल्फ चूंकि डिजिटली अब हर चीज़ डिजिटल है मतलब इट्स नॉट अबाउट प्रिंटेड पेपर एनी मोर ऑल्दो आप ओल्ड स्कूल जाएंगे तो लोग अभी भी कहते हैं यार पेपर बुक मैगजीन या किताब पढ़ने का जो मजा है वो डिजिटली नहीं है क्योंकि फील नहीं आती बट देन अगेन इफ यू लुकिंग टू दी डेमोग्राफिक्स डेट नाउ वी हैव और रोटरी में भी जो अब फ्यूचर जनरेशन आएंगी डेमोग्राफिक दे आर डिजिटली एक्टिव वो जिसे हम कहते हैं डिजिटल बेबीज हैं वो दे आर born विद uh, हम वो कहते हैं ना पहले पुरानी एग्जाम्पल थी कि यू आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून दे आर बॉर्न विद अ मोबाइल ठीक है तो ये सारी चीज़ें तो इस पर uh, हम स्टार्ट uh, करते हैं uh, इस सिलसिले में सबसे पहले मैं आई पी डी जी तहजीब काजमी की तरफ आऊँगा तहसीब आपका क्लब बहुत सारे रोटी क्लब नाशा एक हेरिटेज क्लब है पुराना क्लब है एंड ऑबली यू आपका क्लब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे करते आया है जिन प्रोजेक्ट्स में ये चारों एलिमेंट कवर हो रहे हैं आपका एक प्रोजेक्ट है ग्लिनिक्स के बारे में तो मैं चाहूंगा कि इन चार पॉइंट्स की लाइट में आप जरा क्विकली उस पर रोशनी डालें कि वो कैसे क्या और वाई बिस्मिल्लामान रहीम देखिए हमारा रोटरी क्लब नवाबशाह का एक वीकली डायबिटिक क्लिनिक है जैसे बात हुई अभी इंट्रोडक्शन में रोटरी एक्शन प्लान के सस्टेनेबिलिटी तो मैं आपको बताते चलूँ कि नाइनटीन नाइनटी थ्री लास्ट थर्टी फर्स्ट ईयर से ये रोटरी क्लब नवाबशाह का डायबिटिक क्लिनिक एवरी संडे सुबह आठ बजे से ग्यारह बजे तक हंड्रेड इसके अंदर पेशेंट्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं जिसके अंदर हम कार्ड से लेके इंसुलिन तक उनको आ, हम प्रोवाइड करते हैं उसमें फीमेल कंसल्टेंसी देते हैं उसमें मेल कंसल्टेंसी देते हैं और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि बात होती है कि हम किस तरह से इसमें एक्सपेंड आवर रीच इस प्रोजेक्ट को लेके मेंबरशिप की बात होती है तो मैं आपको यकीन दिलाऊं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से लास्ट 25 इयर्स से मैंने 2006 में रोटरी क्लब नवाबशाह ज्वाइन किया था और आज तक हमारा मेंबरशिप कभी 40 से नीचे नहीं आया 40 से कभी नीचे नहीं आया सिर्फ इस प्रोजेक्ट की वजह से कि इस प्रोजेक्ट की इतना जिसको कहते हैं कि रीच है कि सब चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के साथ हम अपने आप को कनेक्ट करें और फिर रोटी एक्शन प्लान का जो तीसरा जो इसको कहते हैं एक्सपेक्ट है वो है इंगेजमेंट इंगेजमेंट के हवाले से मैं बताता चलूँ कि एवरी ईयर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एंड देन कमेटी मेंबर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं हर संडे हमने डेडिकेट किया हुआ है रोटेरियंस को जो वहाँ जाते हैं इसका एक प्रॉपर चेयरमैन है वाइस चेयरमैन है पूरी कमेटी है वो इसको विजिट करते हैं और जो वहाँ पर कमी बेशी है या जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वहाँ सॉर्ट आउट करते हैं और फिर हमारे क्लब के अंदर डिस्कस किया जाता है दैन इसके बाद अगर हम बात करें लास्टिक चेंजेस की कि इसको हमने किस तरह से फिर चेंज किया तो मैं आपको बताता चलूँ इसी प्रोजेक्ट को लेके हमारे क्लब ने पाकिस्तान का लार्जेस्ट जो है वो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराया फिफ्टी बेडेड मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है उसके विटनेस हैं हमारे डायरेक्टर साहब ख़ुद विजिट करके आए ट्रस्टी अजीज़ मेहमान साहब जब वो गए थे तो उसकी संग बुनियाद रखी गई थी और अभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हनीफ खान साहब उसका विजिट करके आए कंप्लीट है 50 बेडेड हॉस्पिटल जो है वो इस क्लिनिक से शुरू हुआ और वो 50 बेडेड हॉस्पिटल तक चला गया है तो ये इसकी लास्टिक चेंजेस हैं जो कि आप ये समझें कि एक हॉस्पिटल एक क्लिनिक जो लास्ट थर्टी फर्स्ट तीस सालों से जो कंटिन्यूसली चल रहा है यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि हमारे क्लब की मीटिंग हो या ना हो लेकिन ये संडे को क्लिनिक नहीं बंद होता चाहे ईद हो चाहे बकर हो चाहे बारिश हो चाहे कोविड हो कोविड में भी कंटिन्यूसली हमारे लोगों ने वहाँ पर सर्विसेज फरहम की, और ये इकतीस साल से मैं नहीं समझता कि 2006 से तो मैं देख रहा हूं और उससे पहले और पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मोहसिन साहब ने इसका इनग्रेशन किया था उस वक्त उन्होंने महसूस किया था कि इस चीज़ की ज़रूरत है और इसी चीज़ को लेके पार्टनरशिप की भी मैं बात बताऊं आपको कि देखिए इसमें 31 साल से रोटरी क्लब ऑफ कराची मेट्रोपोलिटन हमारा पार्टनर है जो हम बात करते हैं ना कि कराची और आउटसाइड कराची के प्रोजेक्ट्स की पार्टनरशिप होनी चाहिए तो रोटरी क्लब ऑफ कराची मेट्रोपोलिटन और रोटरी क्लब ऑफ कराची के पास प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो गई डॉक्टर होशान अंकल सरिया वो इसके अंदर कंटिन्यूसली जो है वो दोनों की सपोर्ट रही हमें और आज तक रोटरी क्लब ऑफ कराची मेट्रोपॉलिटन इसके अंदर हमारे साथ पार्टनर है यही बेसिस है कि हमारे क्लब की फेलोशिप भी अच्छी है यही बेसिस है कि हमारे क्लब की मेंबरशिप भी अच्छी है यही बेसिस है कि हमारे क्लब के सर्विस प्रोजेक्ट भी अच्छे हैं यही प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से हमारी फाउंडेशन भी अच्छी है और यही वजह है कि जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में हाइस्ट पार्टिसिपेशन है ट्वेंटी फाइव मेम्बर रोटरी क्लब नवाब शाह के यहाँ तशरीफ लाएं थैंक यू वेरी मच थैंक यू आई पी डी जे दिखा दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल यू टॉक अबाउट इम्पैक्ट ंगेज रीच एंड तो जब आप एक्शन प्लान की बात करते हैं तो अब हर प्रोजेक्ट को कोशिश ये करनी है हमने कि पहले देखें कि उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी तो एक अपनी जगह है विजिबिलिटी भी अपनी जगह है क्या वो इन फोर पॉइंट्स ऑफ एक्शन प्लान में फिट हो रहा है आर वी एबल टू मीट फोर पॉइंट्स दो ये चारों जो पॉइंट्स हैं प्रायोरिटी पॉइंट्स हैं उनको हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू कंप्लीट कर पाएंगे इस सर से मैं नेक्स्ट चलता हूँ रोटरी क्लब ऑफ कराची प्रेजिडेंट एजाज साहे साहब एजा सा यू बिलोंग टू अ अलब दैट द ओल्डेस्ट क्लब मतलब दी ओल्डेस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट और ऑब्वियसली आपके क्लब के बेताशा प्रोजेक्ट्स रहे हैं ओवर द ईयर बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर ओन राइट नाउ तो मैं आपसे सवाल ये कि इन फोर पॉइंट्स को लेते हुए कोई एक प्रोजेक्ट के बारे में बताएं जिसमें आप समझते हैं कि इन चारों पॉइंट्स की विजिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग और इनकी प्रोजेक्शन हुई एवरीबॉडी Uh, mashallah, Rotary Club of Karachi is the largest club, and I am the 91st president, so you can well imagine how old we are. And we don't recycle any president except one. This is about the club. Now, this year we took a challenging project of breast cancer awareness, screening, and complete one stop solution that is surgery, chemo, and radiation. And our team, along with the partners of IBA, we engage like reach. You talk about impact and reach. So, we engage different organizations along with us. Now, RCK is engaged with IBA, with Roche Pharmaceutical, with Memon Medical Institute Hospital, with Green Star. We all put together and we plan to go to each and every corporate in other areas and a screen women, advise them how they can self-screen and educate them. and so far, we have done 4,500 screening in different countries, and out of which 1,200 suspects have been gone through mammography and ultrasound free of cost. and 82 surgeries have been done for breast cancer. and i think so, by the end of my term, it will cross 100 now this is a project where four of these points are there. we have created a reach by engaging different people. now 1,800 students of iba are being trained how to screen and how to create awareness about bca, breast cancer. now this will have a ripple impact because every family has minimum four and every students have ten friends. So, you can multiply that, the ripple impact. Next target is Greenwich University. Now, this is a long term project, and different donors have committed one billion rupees for this project. And this project will continue, not, not end at my term. So, this is a long term project, will create an impact, will create an reach, and all these point, four points are included in all this. The other project we are doing is blood donation. And so far, we have collected 800 plus bottles of blood by engaging Indus Hospital, by engaging IBA, and other institutes. And they all have been donated to Indus Hospital for thalassemia and leukemia patients. All these bloods have been donated. And the Rotary Club of Karachi has past history of doing projects which keep on going, continuity like our artificial limb project. akhtar ali is sitting here. as far as he could remember, how old it is, aziz memory is here. he can tell us how long this project has been going on. and it's still going on. and the best part is that the, in the morning the person comes on a wheelchair and in the evening he goes, he walking. that's the best part. <laughs> before it was connected with jaipur. But now, with the uh, India-Pakistan relationship, we can't import the Jaipur foot and everything, so we've been importing it from China and doing it. So these are the projects RCK is doing, and I would request even incoming president and all the presidents sitting here always do a project which are long, lasting and continuity, because you have to go through initial efforts to start any project.

देन वी टॉक अबाउट कि यार इसकी रीच फिर इंगेज एंड मोस्ट ऑफ ऑल अडेप्टेबिलिटी तो दिस इज द क्लास स्टडी मैं चेयर एक्शन प्लान अली हफी से कहूँगा कि वी नीड टू डेवलप कपल ऑफ केस स्टडीज लोकल केस स्टडीज ऑन बेस्ट ऑफ एक्शन प्लान उससे होगा ये कि ग्लोबली हम ये केस स्टडीज शेयर कर सकते हैं एज अ टीचिंग मटीरियल कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर एक्शन प्लान से लेके आपने चलना है तो वॉट आर द केस स्टडीज तो देखिए ग्लोबली वी आर एक्सपेंडिंग ए ऑबियसली हमारे लर्निंग टूल्स हैं हम पहले ट्रेनर कहते हैं नाउ वी आर फैसिलिटेशन सेंटर जो ज, रोटरी का इंटरनेशनल लर्निंग सेंटर है रोटरी सेंटर पे दोज केस स्टडीज कैन बी शोकेस्ड ओवर देयर तो uh, मैं एक्शन प्लान में लिया सकूँ की लेट्स डेवलप अ केस स्टडी बेस्ड ऑन एक्शन प्लान शेयर इट ग्लोबली विद विदाउट द क्लब्स तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि यार हाउ बेस्ट इज टू इंप्लीमेंट हम उसमें एक केस स्टडी ये भी देंगे कि व्हाट इफ यू डोंट डू इट देखिए बात यह कि यू नीड टू सी बोथ द पिक्चर्स कि आप अगर एक्शन प्लान करें

उनमें दो स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट बदीन में है एक गलाची में है एक तलहार में है और एक कराची में आ, हमारे कुछ मेंबर्स जो हैं उस इलाके के हैं तो उनसे लोगों ने अप्रोच किया था फिर हमारी टीम हमारे लोग उनमें रोटेरियन सोहेल साहब बैठे हुए वो और कुछ और लोग उन विजिटेड दो स्कूल्स ये चेक करने के लिए कि उनकी रियल नीड्स क्या है और जो उनके प्रिंसिपल्स और स्टाफ है रियली दे आर कमिटेड फॉर इट और नॉट फिर हमारा विजन ये था कि बच्चों की जो लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं और जो उनका इंटरेस्ट है वो बिल्ट अप होता है आप उनको बेहतरीन एम्पैंस दें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें उनकी हेल्थ का ख़्याल रखें तो हमने इन स्कूल प्रोजेक्ट्स में ये बहुत सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं हमने दोनों स्कूल्स में आर ओ लगाए उसका इम्पेक्ट ये हुआ कि स्कूल के लोगों को तो फ़ायदा हुआ लेकिन दोनों स्कूलों में तकरीबन तलहार और बदीन के तीन से चार हजार लोगों को कम्युनिटी में फ़ायदा हुआ अब वो लोग 24 घंटे वो पानी वहाँ से ले सकते हैं फिर हमने उन देखा वहाँ के इस बच्चे बेचारे फटे हुए इस यूनिफॉर्म शूज़ कोई यूनिफॉर्म है नहीं है हमने उनको यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड किए प्रॉपरली और जो शूज़ प्रोवाइड किए फिर हम उन्हें इस कॉपीज़ देते हैं स्कूल्स के लिए फिर उनको हम बुक्स कॉपीज़ ये सारे डिफरेंट चीज़ें और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जब मुझे मुझे कुछ थोड़ा सा लगा कि ये क्या कि उसमें हमने उनको प्ले इक्विपमेंट जैसे सी सॉ वगैरह होते हैं ये हमने दोनों स्कूल्स में लगा के दिए तो अभी हमने लेटली जो हमने विज़िट किया स्कूल्स का तो उसमें उनके टीचर्स ने ये बताया कि जब से ये हमारे प्ले हमारा प्ले एरिया बना है हमारे स्कूल की न सिर्फ ये कि अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है जो 30 40 होती थी वह 70 के करीब हो गई है बल्कि हमारी इनमेंट बहुत बढ़ गई है और अब कहने लगे हम लोगों इतनी ज़्यादा इनोलमेंट के लिए है कि अब हम लोगों को रिफ्यूज़ करने लगे हैं इसके अलावा हम डिफरेंट चीज़ें करते हैं वहाँ जैसे बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं प्लान्टशन है उसके लिए भी हम प्रोवाइड करते हैं फिर उन्होंने इस वॉल्स पेंट किए हैं डिफ़रेंट तो उसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं तो उन सब वहाँ के लोगों का कहना है कि ये चीज़ें हम देखते थे कराची आके लेकिन अब हम हमें ये वहीं देखने को मिल रही है तो इससे उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ उनकी सोशल इम्पैक्ट उनका बहुत बढ़ गया है और अब हम इसको एडवांस करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं डिफरेंट जगहों से एडवांस एक तो नंबर दूसरा एडवांसमेंट ये कि हम हेल्थ uh, पे ज़्यादा उनको देंगे और स्क्रीनिंग जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं कराची में नहीं पता अच्छे खासे स्कूल के लोगों को तो वहाँ गाँव के लोगों में क्या को क्या पता चलेगा और बहुत सारी डिज़ीज़ें एक्चुअली जो स्क्रीनिंग से ही पता चलती हैं उसको हम uh, उसको इंक्लूड भी करें और उसकी रीच भी एक्सपेंड करें और होपफुली uh,

कि स्कूल के अंदर अगर उन्होंने सी सौ वगैरह लगाए स्टूडेंट का इंटरेस्ट फाइंड आउट बिकेम करट एट द टाइम लुकिंग दैट दुकिंग स्टूडेंट नीड्स एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज ने ड्राइव किया स्कूल इनरोलमेंट को स्कूल इन्वायरमेंट को तो दीज आर द एग्जाम्पल वे वी नीड लुक टू तो लुक एट कि हम जब एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं ये चारों एलिमेंट्स mm. आपके प्रोजेक्ट को आउटकम्स को बेटर कैलकुलेशन में और

Uh, जैसे मैंने सुबह के प्रेजेंटेशन में बताया था हमने फिफ्टी नाइन प्रोजेक्ट्स वैसे किए हैं और uh, बहुत सी चीज़ों पे बात हो सकती है लेकिन क्योंकि एक प्रोजेक्ट का कहा था और फिर स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए गए थे हमें टू स्पीक ऑन दोज एस्पेक्ट्स तो आई विल यू नो कीप माई सेल्फ कन्फाइन जस्ट टू दैट सो दिस ईयर हमने जो है हिसार uh, फाउंडेशन के साथ पार्टनर किया एंड वी डिड लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन इंटीरियर सिंध जहाँ पे हमने हैंड पंप्स एंड ऑफ वेल्स किए थे विच फैमिलीज़ दैट आर लिविंग इन दो एरियाज अब जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपकी विच इज़ इंक्रीजिंग आर इम्पैक्ट जिसके अंदर जो गाइडलाइंस में थे कि योर वट एवर यू डू हैज़ टू बी बेस्ड ऑन एविडेंस सो so, हम लोग जो जब भी किसी के साथ पार्टनर करते हैं हम पहले रिसर्च करते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करते हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे एंड देन व्हेन वी गो व्हेन वी स्टार्ट समथिंग देन वी आर देयर ऑन ग्राउंड विद देम सो दैट आर इम्पैक्ट उसकी फील होती है दूर दूर, दूर तक और एक्सपैंड uh, रीच में uh, उन्होंने कहा था कि इट शुड बी समथिंग दैट इज़ इंक्लूसिव इंगेजिंग कम्पैशनेट

और फिर हम उनको होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं नॉट जस्ट कि हम उनको पानी फराम कर रहे हैं बट फिर उन एरियाज के लिए हिसार फाउंडेशन वी थॉट इट्स बेटर टू वर्क विद ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ ऑलरेडी डन प्रोजेक्ट्स एंड हैज़ गॉट अ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द लास्ट ट्वेंटी ईयर्स रादर दैन री द व्हील एंड दैन नॉट यू नो जैसे सस्टेनेबिलिटी की बात होती है कि आप कोई चीज़ शुरू करें और फिर उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ एटलीस्ट हमें पता है कि इसका इम्पैक्ट जो है वह लॉन्ग टर्म होगा क्योंकि वो लोग मुस्किल उसको मोनिटर भी कर रहे हैं और हम उनके साथ इन्वाल्ड uh, हैं सो दैट वॉज द रीजन वाई वी स्टार्टिड विद दैम एंड उसमें उनके बहुत एस्पेक्ट्स हैं नॉट जस्ट वाटर फैमिलीज़ वगैरह को भी वो रिहेबिलिटेट करते हैं सो वी आर इन्वॉल्व विद डैट ऑल्सो आपकी पार्टिसिपेशन इंगेजमेंट की आपने बात की है जिसके अंदर आपने कहा दैट इट शुड अफेक्ट गो थ्रू डेकेड्स एंड कॉन्टिनेंट्स सो दिस विल इंशाल्लाह बी अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एंड इट विल अफेक्ट कॉन्टिनेंट्स बिकॉज दे आर आल्सो स्टार्टेड हिसार पंजवानी वाटर इंस्टीट्यूट जिसमें लेबॉरेटरीज फॉर्म्ड हो गई हैं एंड दे आर डूइंग द रिसर्च इज इज़ ग्लोबल and so that is how we एंड सो दैट इज हाउ thank you. अडेप्टो टू थैंक यू वेरी मच सो बात यह है कि जब एक्शन प्लान की बात हो तो आपने अब तक देखा जो चार स्पीकरस हमारे दे प्रोजेक्ट है प्लान अच्छा एक चीज़ ये कि चूंकि अली है डिस्ट्रिक्ट चेयर है एक्शन प्लान के तो अली मैं आपसे कहूँगा कि इस कंटेंट को मेरी अभी आईपीडीजी तहजीब ने भी एक मशवरा दिया है कि इस कॉन्टेंट को रीजनल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसफ़र कर लें जो एक्शन प्लान का एक डॉक्यूमेंट है चार पेज का वो उर्दू में भी होना चाहिए सिंधी में भी बलोची में भी ताकि जो समझने में लोगों को आसानी रहे बात यह है कि खाली इंग्लिश बोलने से मसला हल नहीं हो जाता बात वही है कि अगले को आपकी कम्युनिकेशन में बात समझ में आनी चाहिए इफ़ पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड योर आइडिया बात नहीं समझ सकते तो आप उनके तरीके से उनकी जबान में समझाएं पर्पस ये है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स करें जिनमें जो हमारी प्रायोरिटीज हैं इंपैक्ट रीच एंगेज एडेप्टबिलिटी शो हो तभी जाके हम बड़े सक्सेसफुल

गवर्नमेंट ऑफ सिंध से एम ओ यू करके तो साइन करके जो है वहाँ सेंटर खोले उसके बाद फिर हम जब से मेरा टर्न ओवर शूब हुआ है तो उसके अंदर हमारे ओम्ब्स में अब्दुलवाम महमान साहब से मिल के उनको इंगेज करके मैंने सेवन तक हैदराबाद के तकरीबन तमाम स्कूल कॉलेज के अंदर एजुकेशन के ऊपर जो है हमने बड़े सेमिनार किए और वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रूरल एरियाज़ के अंदर के बच्चियों की जल्दी शादी हो जाती है हमने वहाँ की कम्युनिटी के लोगों को जो है इन्वाल्व किया उनको समझाया कि अब ये मैट्रिक भी नहीं पढ़ती आप लोग बच्चियों को जो है स्कूल से निकाल के शादी कर देती हैं वहाँ ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था तो उसके लिए हमने काफ़ी कोशिश की और कामयाबी हमें हासिल हुई तीसरा इम्पैक्ट पे मैं ये बात करूँगा सिर्फ अब पाकिस्तान इंडिया एशिया या वर्ल्ड के टोटल जितने भी रोटेरियन हैं उन्होंने एक बचपन के अंदर में एक गाना पुलिस वालों को सुनता था हर घड़ी कामरान और शादबान है तो जितने भी रोटेरियन हैं जब भी कोई जैसे कोविड आया उसके अंदर सब ने शादबान हर घड़ी कामयाब कामरान होकर जो है रोटेरियन ने काम किया और दूसरा ये कि कल इन्होंने अग्रवाल साहब ने बहुत अच्छी बात की वाटर ट्रीटमेंट के लिए तो इस तरह के जो है हम उनको जो है इंगेज करते हैं एक मीटिंग करते हैं जो ऑनलाइन मीटिंग होती है जो पाकिस्तान के जितने भी लोग होते हैं और दूसरे ममालिक लोग होते हैं वो शामिल होते हैं इस तरह के हम लोग जो है ये काम करते हैं थैंक यू डॉक्टर साहब अच्छा बात यह कि एक और जो इम्पॉटेंट एलिमेंट है जो इस सारी चीज को करने में आपकी मदद करेगा वो आपके अपने ओन क्लब का कल्चर और मेंबर एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बात यह है कि देखिए आप हर चीज तरीके का प्रोजेक्ट कर सकते हैं कंटिन्यूटी वाले प्रोजेक्ट कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट कर सकते हैं बात यह कि आपका अपना क्लब और आप खुद कितने इंगेज हैं अपने क्लब के अंदर देखिए आपका क्लब भी आपके लिए एक एक्शन एक प्लान है कि आपके प्रेजेंट की क्या एंगेजमेंट है प्रेजेंट इलेक्ट प्रेजेंट नॉमिनी बोर्ड मेंबर्स चेयर्स हैं आपके क्लब्स के डिफरेंट मेंबर्स हैं उनको आप कैसे इंगेज कर रहे हैं एक्शन हैंसफुल इफ यू टू हैव सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी क्लब की जितनी वायबिलिटी जितनी इंटरेक्टिव होगा जितना वाइब्रेंट आपका क्लब होगा उतना इफेक्टिवली आप एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट कर सकेंगे हमारे पास एक छोटी सी वीडियो है रोटरी क्लब ऑफ कराची की जो एक्शन प्लान से नस्बत है जरा उसको प्लीज प्ले करेंगे यू कैन क्लियरली सी हाउ इफेक्टिंग इट्स वर्थ अ बिलियन रुपीज स्टाइल इट इज नीडेड दर्ड इज इट इज नीडेड बच्चे तो वैसे भी हंसते रहते लेकिन उस टाइम पे इट्स वर्थ अ बिलियन रुपीजी नीड्स इट और एनी वन हुड्स इट रोटरी इज ऑल अबाउट बींग देयर फॉर पीपल हु मोस्ट दैट्स वाई वी आर पीपल ऑफ एक्शन Because we only talk about action. Uh, I would like to humbly thank my esteemed panelists. Thank you for joining me on this session. Your input, your guidance have been valuable for all the presidents. And thank you for coming up. I would request PASS the Governor Mohammad Salim Rao for the expression of gratitude. Yeah, thank you very much. सैयद काशिफ रफ़ी साहब एक्चुअल क्या है कि जो सर्विस प्रोजेक्ट के हवाले से जिस तरीके से अभी ये इन्होंने हमारे पैनलिस्ट ने अपनी प्रेजेंटेशन दी और तमाम चीज़ें बताईं तो मैं समझता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के कलब जो नहीं आ सके या नहीं बता सके आप यकीन करें कि उनके जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी हैं अगर आप उनको देखें तो बड़े इम्पेक्ट छोड़ते हैं और बहुत कोशिश करते हैं तमाम रोटेरियंस जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के हमारे रोटेरियंस हैं डिस्ट्रिक्ट के पूरे क्लब्स हैं वो अपने अपनी जगह पे, अपने अपने असीय में छोटे से बड़े और प्रोजेक्ट या कोई भी जो है वो छोटा नहीं होता किसी भी क्योंकि हम जो कम्युनिटी सर्विस करते हैं वो छोटी हो बड़ी हो वो कम्युनिटी सर्विस है तो मैं चाहूँगा कि सब पूरे डिस्ट्रिक्ट के रोटेरियन डिस्ट्रिक्ट के क्लब्स के लिए भरपूर तालियाँ बजा दें एक दफ़ा ताकि सब लोग और तरीके से अच्छे तरीके से करें तो आज जो है सबसे पहले हमारे रोटरी क्लब नवाबशाह से आई पी डी जी से तहजीब काजमी ने अपने तीन चार प्रोजेक्ट के बारे में बताया जो बड़े प्रोजेक्ट हैं ख़ासतौर पर डायबिटिक क्लिनिक उनका वाकई बहुत काफ़ी पुराना और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इसी तरीके से जो आई सॉरी इन्होंने जो आई कैंप किए हैं वो परमानेंट कैंप है रोटरी क्लब नवाबशाह के दो तीन कल जो आई कैंप है परमानेंट है हमेशा हर साल लगते हैं इसी तरीके से जो है मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ये वाकई एक बहुत यूनिक जो है हमारा नवाबशाह का प्रोजेक्ट है कि 50 बेड हॉस्पिटल जो है वो हमने बनाया है और हम कोई चाहेंगे कि जिस भी तमाम मैं चूँकि इसी क्लब से ताल्लुक़ है तो चाहूँगा कि तमाम जो रोटेरियन है ज़रूर विज़िट करें बहुत सारे लोगों ने इस पर विज़िट भी किया है तो ये सस्टेनेबल जो प्रोजेक्ट हैं ये बहुत अहमियत रखते हैं किसी भी क्लब के लिए इसी तरीके से रोटरी क्लब कराची से एजाज साया साहब रोटरी क्लब कराची को मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि बैक बोन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है कि हर चीज़ मतलब माशाल्लाह आप मेंबरशिप के हवाले से अगर आप देखें आप प्रोजेक्ट्स के हवाले से देखें आप काम के हवाले से देखें तो उनकी काम इतना ज़्यादा है और इतने लोगों को डिस्ट्रिक्ट के दूसरे क्लब्स को भी इस साथ हेल्प करके ले कर चलते हैं तो उनके जी जो ख़ास तौर तो पर अभी इन्होंने दो तीन का कहा कि ब्रेस्ट कैंसर ये एक बहुत बड़ी ख़दमत है और जिस तरीके से इन्होंने एटी टू सर्जरी कराई खास तौर पे तो ग्रेट वर्क सर आपका और इसी तरीके से इंडस हॉस्पिटल के साथ काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल जो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है ना सिर्फ कराची के लोग बल्कि सिंध बलूचिस्तान पंजाब के भी के तक, तक के लोग यहाँ आके फ़ायदा उठाते हैं हमने एक दफ़ा कोशिश भी की थी कि हम इसको इंटीरियर में भी इनकी एक शाख बना दें और हम नहीं कर सके लेकिन रियली really, आप बिलीव करें कि इतने लोग जो अपने पाँव से बग़ैर चले आते हैं शाम को ये लोग आर्टिफिशियल लगा के उनको अपने पाँव पे चलाते हैं तो ग्रेट मैं चाहूँगा कि इनके लिए एक दफ़ा भरपूर तालियाँ कराची करब के लिए आरसी के ईस्ट की जो है वो डॉक्टर नजमा पटेल प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं उन्होंने अपना जो ख़ास तौर पर प्रोजेक्ट दिया जो स्कूल प्रोजेक्ट था आर प्लांट लगाया और वो जो है उन्होंने तलहार और बदीन में उस स्कूल में यूनिफॉर्म स्कूल बैग बैग और उस प्रोजेक्ट और स्कूल की वजह से एक बहुत बड़ा जो इम्पेक्ट था वो एडमिशन्स का था कि उस स्कूल में भरपूर तरीके से स्कूल बच्चों एडमिशन हुए तो ये भी बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट था आर के न्यू सेंट्रल बहुत ज़्यादा पुराना क्लब नहीं है लेकिन जिस तरीके से पूरी इनके जो क्लब के लोग हैं पूरे जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो काबिल स्ताइश हैं इन्होंने वाटर एंड सैनिटेशन पे जो काम किया है और ये बड़ा सस्टेनेबल प्रोजेक्ट किया हुआ है इन्होंने और इसके अलावा भी इनके और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं आर सी के हैदराबाद गलेक्सी पे मैं अगर आऊँ तो डॉक्टर सरफराज जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इस यहाँ के फिज्योथरापी अवेयरनेस फिज्योथरापी सेंटर तो एक बाकी इनका परमानेंट है डॉक्टर जो है अनहार साहब उसको लीड कर रहे होते हैं तो वो एक है इनका और बहुत सारे डिफरेंट जो है ना इम्पेक्ट पर इन्होंने अवेयरनेस का भी किया और एक क्लब जो है रोटरी क्लब सखर उसको मैं रिकगनाइज़ करना चाहूँगा कि उसका वो वाद मतलब बड़ा क्लब है अच्छा क्लब है पुराना क्लब है और रोटरी क्लब सखर का अपना रोटरी पब्लिक स्कूल है आप बिलीव करें इतना अच्छा स्कूल है उनकी अपनी बिल्डिंग है और उतना बड़ा स्कूल है और इतना अच्छा स्कूल है कि लोग सिफारिशें करते हैं मुझे भी बहुत दफ़ा फोन आते हैं सक्कर से कि यार आप हमारे बच्चों का एडमिशन करा दें तो ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं और बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जिनके प्रोजेक्ट जो है ना बहुत अच्छे हैं तो हम सबको को रिकगनाइज़ करते हैं और आज के जो है ख़ास तौर पर जो हमारे इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे मॉडरेटर थे जनाब सैद काशिफ रफी साहब इन इन्होंने माशा पूरे कॉन्फ्रेंस को जो है सेक्रेटरी के तौर पे भी बहुत अच्छी की और ये सेशन भी इन्होंने बहुत अच्छा मॉडरेट किया तो भरपूर तारी इन तमाम पैनलिस्ट के लिए मॉडरेटर के लिए थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू सलीम राव साहब सर वेरी काइंड ऑफ यू फॉर गिविंग द डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मोहम्मद हनी खान तो प्लीज़ काइंडली अर कंपनी दी आर आई पी आर आर आई डायरेक्टर ऑन द स्टेज फॉर प्रेजेंटर ऑफ मोमेंटोज एंड ग्रुप फोटो And uh, conference chair Shahzad Sabin on the stage, please.